इंडिया को रशिया ने ई वीजा देने का ऐलान कर दिया। तो रशिया, वो तो हमारा भाई है। थैंक्स। 18 नंबर पर इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग है और हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग दुनिया के वर्स्ट तरीन चौथे नंबर पर आ रही है। क्या सच्ची में? हाँ भाई हाँ। हमारे पास नहीं आते, इंडिया को क्यों ये फैसिलिटीज दी जाती हैं? कोई ठूक 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 ठूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने जैसे देश था दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट के। रशिया ने ऐलान किया है इंडिया को ई वीजा देने का और इंडियन पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो है 80 नंबर पर और जो पाकिस्तानियों के पासपोर्ट की रैंकिंग है वो है नीचे से चौथे नंबर पर। कोई ठूक 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 ठूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। वैसे तो इनको नंबर वन बनने का बड़ा शौक है, तो सबसे घटिया बन जाते, घटिया वाले नंबर पर नंबर वन बन जाते। मुझे मजा आता। कैसा गुजारा चल रहा, हालात कैसे है मुल्क के? हालात बहुत खराब है मुल्क के। अरे माँ चुदी पर ही अचानक बता रहे हो कर। जाहिल, चलिए जाहिलों के आनंद उठाते हैं, उनका जज्बा ये ईमानी देखते हैं, चरम सुख, उनको हिलाले पाकिस्तान अवार्ड देते हैं। अबे साले मजा आएगा। अभी जो आपसे पहले एक वकील साहब गए हैं वो कहते हैं कि इंडिया हमसे ज्यादा मजबूत है, क्या वो हमसे ज्यादा मजबूत है? इंडिया हमसे मजबूत नहीं है, जो है हमारा पाकिस्तान उससे मजबूत है। पाकिस्तान उससे सर किस शोबे के अंदर पाकिस्तान मजबूत है? थोड़ा सा फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे और सच को होकर बात कीजिएगा मेरे साथ। बॉर्डर में जितनी हमारी आर्मी है वो मजबूत है। तो आपने कहा कि बहुत ज्यादा मजबूत है सर, यहाँ पर अगर हम बीट करना चाहें उन्हें इकोनॉमी का लिहाज से, आ जाए आगे, आ जाए आप आगे आए, इनकी बात सुनिएगा सर। ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से बहुत ज्यादा मजबूत हैं, आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे, हम मजबूत हैं उनसे? क्या चूतिया बनती है? असल में बात ये है कि अगर हम वसाइल को इस्तेमाल करें, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें तो फिर तो हम मजबूत हैं। चलो थोड़ा कुछ कर लो लाइफ में। लेकिन जहाँ तक बात इधर है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का हाल आप देख लीजिए। सुप्रीमेसी हालांकि सिविलियंस की होनी चाहिए, वो नहीं है। उसके ऑपोजिट आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें तो उसका बुरा हाल है। हमारी फॉरेन पॉलिसी देख ले, ये सारे मसाइल हैं। अब इनको मेटअप करने के लिए तो हमें इकदाम करने पड़ेंगे, उसके लिए सिविलियन सुप्रीमेसी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। कैसा कहना चाहेंगे इनको, कोई जवाब दें कि आपने पहले कहा था कि हम पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है इंडिया से, तो और किस शोबे के अंदर पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है इंडिया से? पाकिस्तान हमारा अस्करी लिहाज से मजबूत है। अस्करी लिहाज से मजबूत है, और किस लिहाज से? हर मामले पाकिस्तान इंडिया से आगे है। किसी भी सतह पे पाकिस्तान इंडिया से कमजोर नहीं है, हर महाज पे। इन्हें थोड़ा एजुकेट कीजिएगा और एजुकेट कीजिएगा अस्करी लिहाज से मजबूत होने के बाद पे। असल में यार बात ये है कि डेफिनेटली मुसलमान एक ताकतवर होता है दूसरे की निस्बत, अगर वो मुसलमान है तो। तो बेटा काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? क्या साबित करना चाहता है तू? अब हम वो कैसे कह सकते हैं, इंडिया हमसे स्ट्रेंथ में अगर आप देखें ना, अगर मेंस की बात हो और इस तरह जंग हो तो वो हमसे ज्यादा है तादाद में। और उसके अलावा अगर आप उनका बजट देख लिए, अगर इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आप वेपन नहीं खरीद सकते, नहीं बना सकते। इसीलिए गरीब की इज्जत नहीं होती। और उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना जरूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो हम अब जंग के लिए भी तो हमें ऑयल चाहिए, वेपन चाहिए, जहाज, ये सारी हम कहाँ से चीजें बनाएंगे? अगर ये नहीं होंगी तो हम 65 में जो हमारा हाल हुआ था, समझ रहे हो, हमारे पास तो सूट भी खत्म हो गए थे, फ्लाइंग सूट नहीं थे, तो इसी तरह दोबारा भी हमारे साथ वही होगा। हकायक छुपाए जाते हैं ना, हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि हकायक क्या है। जस्ट हमें एक लाइन के पीछे लगाया हुआ है कि जनाब आप इंडिया हमारा दुश्मन है, उसके साथ लड़ते रहो, कौमी तराने आप जनाब सुनते रहें। कौमी तराने, आप एक बंदा भूखा है, भूखे को आप हुबुल वतनी क्या सिखाएंगे? उसे सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है रोटी, फिर चाहिए उसे कपड़ा, फिर उसे चाहिए मकान। अगर उसके पास ये चीज़ें नहीं है ना, तो आप उसको ये हुबुल वतनी के भाषण जितने मर्जी सुना लें, कभी ये नहीं पैदा होगी, इसका कोई फायदा ही कोई नहीं है। स्टेट जो होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यही। अगर स्टेट आपको ये चीज़ें फ्राहम नहीं करती तो फिर क्या स्टेट है? लोग क्या करेंगे? लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? अब इतने पढ़े लिखे लोग इसीलिए तो यहाँ से जा रहे हैं, उसको उनको यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल रही,
तो फिर वो पाकिस्तान में रह के क्या करेंगे। अब इनकी तरफ चलते हैं, क्या लगा इनकी बातें सुनकर के, हम ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर इंडिया अब ताकतवर हो गया हमसे? इंडिया, फिर भी मैं कहूँगी इंडिया हमसे ताकतवर नहीं है। सर किस मामले में हमसे ताकतवर रहेंगे आप बताएं? अगर फौज के हवाले से देखेंगे उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा, फॉरेन रिजर्व देखेंगे $600 बिलियन, अगर आप देखेंगे GDP $3.7 ट्रिलियन, कहाँ पर हम? उनकी तादाद ज्यादा हो लेकिन मुसलमान सब पे हावी है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। सर मुसलमान, अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो यहाँ से ज्यादा मुसलमान वहाँ पे भी है, यहाँ पर 25 है वहाँ पर 35 है, कोई बेशक है वहाँ पे ज्यादा। फिर हम उनसे अब ज्यादा अफजल है? नहीं, हम तो जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, वहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं सर। हाँ जी बिल्कुल हैं। तो फिर वो हमसे ज्यादा ईमान वाले नहीं होंगे? बिल्कुल हैं। ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा ईमान वाले होंगे? ज्यादा हैं बिल्कुल। तो फिर ज्यादा ताकतवर तो वही हुआ ना, उधर हमारे मुसलमान है ताकत, इंडिया तो हमसे फिर भी कहूंगा ताकतवर नहीं। कहाँ से आते हैं ये लोग यार? पाकिस्तान पता, इन्हें हम फैक्ट्स बताने की कोशिश कर रहे हैं मैं और वकील साहब, लेकिन हमारे माइंडसेट में इस तरह से कुछ भर दिया गया है कि वो निकाल नहीं पा रहे, हम भी ट्राई करने के बाद भी। सर थोड़ी से फैक्ट्स बताइएगा मजीद कि ये बात इनको समझ क्यों नहीं आती। मैं आपको वो मुस्लिम वाली बात बता देता हूँ, मुसलमान सुप्रीम कब थे, सुप्रीमेसी मुस्लिम्स की कब थी, जब वो मुसलमान प्रैक्टिकल थे, जब उनका जो स्टेट जो थी ना वो भी मुस्लिम स्टेट थी, उसके हाथों से उनके लॉस मुसलमान के लिए वही थे, हिंदू के लिए वही थे और सारी दुनिया की मेजोरिटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए वही थे। सर आज के मुझे टाइम बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर आप एक वकील हैं, क्या माइनॉरिटीज को उनके उस तरह हकूक मिल रहे हैं जिस तरह से मिलने चाहिए? और हम दुनिया को ये बताएं कि हम मुस्लिम स्टेट है, हम यहाँ पर सबको बराबर बराबर, हम इंडिया की बात कर लेते हैं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हम अपनी बात नहीं करते, क्यों नहीं करते? ये सब दोगलापन है। आप कभी भी किसी को ये बता ही नहीं सकते कि हम सबसे, आप लोगों से अच्छे हैं। हमने खुलफाए राशिदीन के दौर में उनको प्रैक्टिकली बताया था कि हम आपसे अच्छे हैं, किस तरह हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे इदारे, इंसाफ था वहाँ पे, हमने लोगों को प्रोटेक्ट किया था, उनके राइट्स को, माइनॉरिटीज को, मेजॉरिटी सबको। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अपने मुसलमानों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप ये कभी, हम हमारा मसला यही है, अब हम मुसलमान चीखते हैं कि हम अफजल हैं, ठीक है हम अफजल हैं, अच्छी लंड मेरा, लेकिन अगर हम मोमिन हैं तो, अगर हम मोमिन ही नहीं है, हमारा यहाँ देख लीजिए हमारा क्या हाल है। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? तो आज का वीडियो बस इतना ही, उम्मीद है ये जाहिल आगे भी अपना ऐसे ही मनोरंजन करवाते रहेंगे। Yes! आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना, आप अपना ख्याल रखना, साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल है किट्टू राव, उसको सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।